हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ क्लास 8 टुडे वी आर गोइंग टू डू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे पुराने लिंक पर चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो चले क्वेश्चन 8 करते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजियर नंबर्स ले लो, इस तरह से लो कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1, 2, 3, मतलब नंबर उससे बढ़कर 4 लिया 5, 6, इस तरह से नंबर्स लो। देन उसके बाद क्या करो, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उन इंटीजियर्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 3 से 4 से, दे एड अप टू 74। उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐड करते हो तो वो किसके बराबर आएंगे, 74 के। फाइंड दीज नंबर्स, वो नंबर्स निकालो। तो सपोज कर लेते हैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या होंगे हमारे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो x प्लस 1। अब इंक्रीजिंग में है तो 1 ऐड कर रहे हैं, डिक्रीजिंग में होता तो एक्स लेते और -1, -2 करते, ठीक है, x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो 2, 3, 4 से और एड अप, फिर उनको ऐड कर लो। फर्स्ट क्या है कंसेक्यूटिव नंबर, एक्स, इसे किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से, फिर क्या कर लो, ऐड कर लो। नेक्स्ट नंबर क्या है, x+1, इसे किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से। नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर, x+2, उसे मल्टीप्लाई कर लो 4 से और सबको ऐड कर लो। सबको ऐड कर लिया तो ऐड करने पे ये किसके बराबर आएगा, 74। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी, राइट हैंड साइड वेरिएबल एक्सप्रेशन, सब कुछ है इसमें, तो ये लीनियर इक्वेशन है। नो कम टू सॉल्व इट, क्या हो जाएगा, 2x, 3x+3, 4x+8 = 74, ठीक है। x को एक तरफ कर लो और कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लो, 2 और 3 5, 5 और 4 7, 7x हो गए, 3 और 8 कितने हो गए, 11 हो गए, = 74, 7x आ गए 74, 11 उधर गए -7x, 4 में से बन गया 3, 7 में से बन गया 6, x = 63/7, 7 से किया डिवाइड 9, तो x क्या आ गया हमारा, 9। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, therefore 3 consecutive integers are, वो 3 integers हमारे पास कौन कौन से होंगे, अभी एक नंबर आया 9, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, x+1 कितना होगा 10, x+2 कितना हो जाएगा 9+2 11, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 9, 10, 11, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख के दे दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन दी रेशियो 5:7, 4 years later, ठीक है, राहुल और हरुण की एज क्या है, 5:7 की रेशियो में, 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज, उनकी
the sum of their age will be 56. चार साल के बाद उनकी रेशो की एज को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 56 इयर्स. फाइंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. अभी उनकी उम्र क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. तो राहुल और हरुण की एज निकालनी है इस क्वेश्चन में. राहुल और हरुण की एज हमें रेशो में दी है और चार साल के बाद उन दोनों की एज का हम सम करते हैं तो वो दोनों की एज 56 ईयर होती है. तो बताना है हमें इस क्वेश्चन में कि उनकी अभी की उम्र क्या है. क्वेश्चन में क्या क्या दिया, देखो रेशो दिए और उनका सम दिया एज का. तो हम सपोज कर लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज, लेट द रेशियो ऑफ एज, रेशियो को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है. तो उनकी एज क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ राहुल एज, राहुल की एज की क्या हो जाएगी 5x है तो उसकी 5x हो जाएगी, और रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, हरुण की प्रेजेंट एज सेवन एक्स हो जाएगी. अब क्या कह रहा है, चार साल बाद, तो चार साल दोनों की उम्र में ऐड हो गए तो आफ्टर आफ्टर फोर इयर्स या लेटर फोर इयर्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. देयर एज विल बी, उनकी उम्र क्या हो जाएगी, देयर एज विल बी, एक की 5x है उसकी क्या हो जाएगी 5x प्लस 4, और दूसरे की हो जाएगी 7x प्लस 4, ठीक है. अब नेक्स्ट कह रहा है उनकी दोनों की एज का सम करो तो क्या होता है 56 होता है, ठीक है. तो एज पर क्वेश्चन हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उसकी, राहुल की कितनी होगी 5x प्लस 4, ठीक है, 5x प्लस 4 और प्लस उसकी कितनी है 7x प्लस 4, सम करते हैं तो एज कितनी है 56. ये कितना हो गया 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, ठीक है. वेरिएबल्स को ऐड कर लो, वेरिएबल कितना 7 और 5 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 56. 13x 56 माइनस 8 13x 56 में से 8 माइनस किए तो कितना हो गया 48. नेक्स्ट कर लेंगे हम यहां पे, सेवन और फाइव 12 होता है, ठीक है. यहां पे 13 नहीं 12 आएगा. एक्स आ गया 48 डिवाइड बाय 12, 12 फोर 48, ठीक है. तो रेशो क्या आ गई 4 आ गई, तो देयरफॉर एज ऑफ राहुल की एज क्या होगी, राहुल की एज है हमारे पास 5x, तो राहुल की हो जाएगी 5 × 4 कितनी होगी 20, और हरुण की क्या होगी एज ऑफ सेवन एक्स, 7 × 4 7 × 4 = 28, ठीक है. और क्या था, प्लस 4 भी था, यहां से मैं कर लेती हूं
plus 4, 5 into 4 plus 4, 24 years, or age of Arun, 7x plus 4, 7 into 4 plus 4, 32 years. ये हो गई राहुल और हरुण की प्रेजेंट एज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सको। थैंक यू।